नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम जो दीपावली के 5 दिनों के उत्सव की बात कर रहे थे, जैसे मैंने कहा कि पहला दिन जो है वो धनवंतरी जयंती, दूसरे दिन छोटी दिवाली, फिर तीसरे दिन बड़ी दिवाली और चौथे दिन का जो उत्सव है उसे गोवर्धन पूजा कहते हैं। गोवर्धन पूजा की कहानी ये है कि एक बार वृंदावन में इंद्र के प्रकोप के कारण वहां साफ बहुत बारिश होती रही, तो सारे ग्वाल वाले सारे लोग परेशान हुए उस बाढ़ से। तो कृष्ण भगवान जी ने अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठा के उसके नीचे सब लोगों को आश्रय दिया और 7 दिन तक वो लगातार इस मुद्रा में खड़े रहे। तो 7वें दिन इंद्र का अभिमान टूटा, वो समझ गए कि जिनसे मेरा मुकाबला है वो कोई साधारण नहीं है, बल्कि वो विष्णु के अवतार है। तो उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की, वर्षा बंद हुई, लोगों का जीवन सामान्य हुआ। और इस खुशी में, क्योंकि कृष्ण भगवान 7 दिन तक बिना हिले डुले पर्वत को अपनी उंगली में उठाए रहे, तो जब पर्वत उन्हें वापस नीचे रखा तो लोगों ने उनको धन्यवाद देने के लिए उनके लिए 56 तरह के भोग बनाए। तो इसी कहानी में दूसरा जो पहलू है वो है कि अन्नकूट, 56 भोग, कि 56 तरह के भोग जो आज भी हम कृष्ण भगवान को 56 भोगों से जोड़ते हैं। तो कथा यहाँ से होती है कि उन्होंने उनको खुश करने के लिए, उनको धन्यवाद प्रकट करने के लिए 56 तरह का भोग उनको लगाया। तो आज भी वृंदावन में, उत्तर भारत में कई जगह 56 भोग और 108 भोगों को लगाए जाते हैं भगवान को। तो आज के दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। और चूंकि उन्होंने ग्वाल बालों की रक्षा की थी तो कहीं ना कहीं इस त्यौहार को प्रकृति से भी जोड़ा गया है। आज के दिन जो कृषक समाज है वो गायों की पूजा करता है, गायों को में नई घंटियां बांधी जाती हैं, गायों को तिलक किया जाता है। और यही हमारे हिंदू धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक भी है कि हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा होती है। कभी हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम कुएं की पूजा करते हैं, हम नदी की पूजा करते हैं, हम गाय की पूजा करते हैं। तो उसका मतलब ये कि हम अब पूरे इकोलॉजी, इसको आज की डेट में मॉडर्न साइंस कहता है इकोलॉजी, तो पूरी इकोलॉजी को ही पूजा करते थे। तो जो ग्रामीण समाज था वो गाय की पूजा भी करता था। आज के दिन दो त्यौहार और मनाए जाते हैं। एक त्यौहार है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा पति पत्नी के बीच का त्यौहार है। इस दिन जो पत्नी है वो अपने पति को तिलक करती है, जैसे रक्षाबंधन भाई बहनों का त्यौहार है, पत्नी पति को तिलक करती है और पति बदले में उसको उपहार देता है। तो ये भी हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्ता और गहरा करने के लिए गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाता है। और चौथा पर्व, उसे हम कहते हैं विश्वकर्मा पूजा या विश्वकर्मा जयंती। आज के दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इनको सबसे बड़ा आर्किटेक्ट कहा गया है। तो जो लोग, जैसे मैंने कहा कि जो धन्वंतरी है वो आपके डॉक्टर्स का, आपके फार्मासिस्ट का, जो आपके मेडिकल साइंस के लोग हैं उनका त्यौहार है। तो आज का दिन जो आपके इंजीनियर्स हैं, जो आपके आर्किटेक्ट्स हैं, जो आपके ड्राफ्टमैन हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो यंत्र हाथ से काम करते हैं, जो कारीगर हैं, उन लोगों का त्यौहार है। देखा होगा आज के दिन इंडस्ट्री बंद होती है, लोग अपने औजारों की पूजा करते हैं। तो विश्वकर्मा जो वास्तुदेव के उनको पुत्र कहा गया, ब्रह्मा की लाइनेज में वो आते हैं, तो आज के दिन उनका जन्म हुआ था। और जो कृष्ण भगवान की जो नगरी थी द्वारिका वो, और जो पांडवों के टाइम पे जो मया सभा थी उसको ये रचयिता जो है वो विश्वकर्मा माने गए हैं। तो आज के दिन विश्वकर्मा की पूजा भी की जाती है। तो आप यदि 4-5 त्यौहार आज के दिन मनाए जाते हैं और ये त्यौहार दिवाली के एकदम बाद, यानी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाए जाते हैं। तो जो इंजीनियर्स हैं, जो हाथ से काम करने वाले लोग, जो औजारों से काम करने वाले लोग हैं, उन सबके लिए त्यौहार बहुत मंगलमय हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।